तो हाय एवरीवन, जेईई मेंस 2023 का जो जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन है फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन का मतलब लाइक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था, जो बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है इसके बारे में डिटेल बातें करने वाला हूँ। देन सेकेंड चीज़ की जिन बच्चों ने फर्स्ट टर्म में भर दिया था उनका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है इसके बारे में बातें करने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए बात करते हैं, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट या अप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हुए थे उनका फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है। माना सर ने कहा था कि एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे तक आ जाएगा, तो आप मान सकते हैं कि या तो कल या तो परसों तक आपके अप्लीकेशन फॉर्म या फिर मे बी मंडे भी हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दी जाए। जैसे ही कर दी जाए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और एक बात याद रखिएगा कि मैं एक और बार प्रोसेस बता दूंगा क्लियर कट करके, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको क्या करना है कि सारी डिटेल्स अगर क्लियर कट करनी है और दो बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है वरना आपका रिजेक्ट हो सकता है। देन सेकेंड चीज़ कि जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट अटैम्प्ट का भर चुके हैं मतलब जो एग्जामिनेशन फर्स्ट अटैम्प्ट का दे चुके हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, मैंने इसकी वीडियो भी बनाया था, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है अन्यथा उनका रजिस्ट्रेशन लाइक जो दोबारा कर देंगे तो आपको लाइक रिजेक्ट कर दीजिए तो आप अपीयर नहीं हो पाओगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्या प्रोसेस होगा, वो एनटी की साइट पर विजिबल हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ मे भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट के आप क्या प्रोसेस होने वाला बता रहा हूँ, जो बच्चे जनरल EWS वाले हैं कौन सर्टिफिकेट लगेगा, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि फरवरी में या फिर अभी जाके बनवाना, तो अभी पेरेंट्स को बोल करके या फिर आप अभी मत बनवाइए, आप 1 फरवरी के बाद ही एक सॉरी 1 अप्रैल के बाद ही बनवाइएगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का लगेगा, 1 अप्रैल के बाद का बनवाइएगा। सेम एज OBC SC के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही सर्टिफिकेट लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लगेगा। आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट आप मत लेकर आइएगा, फॉर्मेट वाइज जो फॉर्मेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेम है SC ST वालों का ये कि आपका फॉर्मेट वाइज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, तो मेक श्योर कि इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अभी की वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।